कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे वो लोग सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार दोस्तों, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आप सभी लोगों का एक बार पुनः दिल की अटल गहराइयों से हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की थी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, उत्खननकर्ता कौन थे। मतलब आज हम देखेंगे, देख लीजिए क्या उत्खननकर्ता स्थल कौन कौन से हैं, वर्तमान क्षेत्र देखेंगे, उत्खननकर्ता वर्ष और नदी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने उनका कार्यक्रम देख लिया था, उनका जो व्यू रचना थी किस प्रकार, उनका मान लीजिए विस्तार किस प्रकार था, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण स्थल की, भाई महत्वपूर्ण स्थल तक खुदाई में कौन कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आज कैसे पढ़ेंगे भाई, एक तरफ आ गया अपना स्थल, ठीक है, जितने भी स्थल हमें खुदाई में प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, वर्तमान क्षेत्र की भाई इन जो स्थल है इनका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन सी जगह इनका वर्तमान क्षेत्र आज वर्तमान में है, और उत्खननकर्ता भाई किस व्यक्ति ने किस जगह की खोज की थी। आगे देखेंगे हम नदी वर्ष आ जाएगा कि भाई किस सन में या किस वर्ष में इस स्थल की खुदाई हुई थी, ठीक है। आगे आएंगे भाई नदी कि भाई ये जो सभ्यता हुई थी हड़प्पा होगी मोहनजोदड़ो कोई भी हो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए सर्वप्रथम हमारे सामने आता है हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान माउंटगोमरी जिले में स्थित है। तो भाई हड़प्पा है, जो वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो ये आ जाता है माउंटगोमरी पाकिस्तान में एक जिला है, पंजाब प्रांत में माउंटगोमरी, ठीक है। अगर वर्तमान में इनकी बात करें तो माउंटगोमरी का नाम बदलकर उस जिले का नाम कर दिया है साहिवाल, ठीक है। हड़प्पा है, हड़प्पा कहां स्थित है, माउंटगोमरी पाकिस्तान में है, जगह का मैं इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं साहिवाल और माउंटगोमरी, साहिवाल में इनका वर्तमान नाम साहिवाल है, माउंटगोमरी का, ठीक है। अब करेंगे भाई उत्खननकर्ता की बात, भी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हमारे सामने नाम आता है दयाराम साहनी भाई। इस व्यक्ति ने 1921 में किसकी खोज की थी, हड़प्पा की, ठीक है। 1921 आ गया यहां पर, वर्ष 1921 तो हड़प्पा की खोज सन 1921 में हो गई थी। अगर नदी की बात करें भाई हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो इस नदी का नाम आ जाता है रावी नदी, इसे कहा जाता था पुरुष ने पहले प्राचीन में। अब करेंगे मोहनजोदड़ो की बात, अगर मोहनजोदड़ो का हम वर्तमान क्षेत्र में देखिए तो ये सिंध प्रांत में आ जाता है पाकिस्तान के, और लरकाना जिला है पाकिस्तान में, लरकाना, ठीक है। अब बात करेंगे भाई इनकी खुदाई किसने की, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की राखनदास बनर्जी ने, अगर हम इनके सन की बात करें भाई, इनकी मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में हुई थी, तो इसी का एक वर्ष पश्चात 1922 में, और नदी की बात करें तो यहां नदी आ जाती है सिंधु, जो तिब्बत के सेन का बाव नामक जगदाला से निकलती है। अब बात करेंगे वे लोथल कहां है, लोथल है अहमदाबाद कहां है, गुजरात। अब बात करेंगे वे इनकी खुदाई किसने की थी, तो इसकी खुदाई की बात करें तो यहां व्यक्ति आया है रंगनाथ राव। लोथल की अगर हम सन की बात करें भाई, खुदाई किस सन में हुई, तो अपने आज सामने आ जाता है 1955, और कहीं देख 1962 भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे लोथल किस नदी के किनारे हैं, तो ये भोगवा नदी के किनारे, बच्चों भोगवा। तो अब आगे बात करेंगे चनुदड़ो कहां है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इनकी खुदाई, इनके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है, अर्नेस्ट मेके व मजूमदार, ठीक है। अब बात करेंगे
चंद्रोदयों की खोज कहां कब हुई थी? सन की बात करें दोस्तों तो अपने सामने आ जाता है 1931 में चंद्रोदयों की खोज हो चुकी थी। चंद्रोदयों में मन के बनाने का कारखाने भी मिला है। अब बात करेंगे आगे की, भाई चंद्रोदयों किस नदी के किनारे है? तो यही बात है, जो मोहनजोदड़ो था उसी नदी किनारे अपनी नदी आ जाती है सिंधु, नदी आ जाती है सिंधु। अब बात करेंगे भाई कालीबंगा कहां है? हमारे राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान, जिला आ जाता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अब बात करेंगे भाई कालीबंगा सभ्यता जब उत्पन्न हुई तो भाई इनके उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता इनमें तीन आ जाते हैं। पहला आ जाता है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष इन्होंने की थी भाई 1953 में। बाद में दो व्यक्ति और आ जाती है, बीबी लाल और विके थापर 1960-61 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इनके भी बात करेंगे भाई कालीबंगा की खुदाई कब हुई? तो मैंने बताया 1953 में भी हो गई थी अमलानंद घोष के द्वारा, और बीबी लाल और विके थापर ने 1961 यानी दो वर्षों के अंतर्गत उन्होंने खुदाई की। अब कालीबंगा की बात करें तो नदी की बात करें तो यहां आ जाती है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहां है? कि भाई यह वर्तमान क्षेत्र देखिए तो इनका आ जाता है हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, राखी गढ़ी वर्तमान आ जाता है हिसार हरियाणा। और अगर हम इनके उत्खनन करता ही बात करें कि भाई राखी गढ़ी की खोज किसने की, तो यह हमारे सामने आ जाता है सूरज भान, सूरज भान। और इनकी 1969 में, ठीक है। अगर नदी की बात करें याद आता है अपना गगन नदी। अब हम बात करेंगे भाई सात नंबर की, अब हम बात करें भाई कोट दिजे की, तो कोट दिजे का जो वर्तमान क्षेत्र है दोस्तों वो बना जाता है सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाक में, पाकिस्तान समझ गया। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है दोस्तों, इसलिए मैं आपको अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर को एक बार रब कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा बीबी लाल और बीके थापर। इस सूरज बांध को थोड़ा ऊपर की साइड में लिख दिया जाता है, सूरज बांध, सूरज बांध। ठीक है, कोट दिजी की बात आई वैसे पाकिस्तान में। अगर इनके उत्खनन की बात करें कोट दिजी की, तो इनका बनाया जाता है फजल, फजल एवं दुर्वे, दुर्वे एवं फजल अहमद खाना नंबर, मतलब फजल एवं दुर्वे। ठीक है, इनके सन की बात करें तो भाई इनके सन की बात अपने आ जाती है 1935 और 1955 में। ठीक है, और नदी की बात करें दोस्तों तो यहां आ जाती है सिंधु नदी। अब बात करेंगे बनावली की, भाई बनावली कहां पर है? तो अगर बनावली की बात करें तो यह आ जाती है हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। अगर इनके उत्खनन की बात करें तो अपने आ जाता है रविंद्र सिंह विष्ट, रविंद्र सिंह विष्ट। और इनके सन की बात करें तो आ जाता है अपने पास 1973 और नदी के रे तो सरस्वती, सरस्वती। अब बात करेंगे भाई रोपड़ की, तो रोपड़ की बात करेंगे तो भाई रोपड़ कहां है? रूपनगर पंजाब में, रूपनगर पंजाब। ठीक, इनके उत्खननकर्ता की बात करें भाई इनकी भाई खोज किसने की, तो अपने आ जाता है यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। सन की बात करें तो 1955। और जो नदी की बात करें भाई रोपड़ में कौन सी नदी है? सतलज। तो दोस्तों अब बात करें तो ये जो वर्तमान चित्र आ जाता है काठियावाड़ गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात, गुजरात। अगर इनके उत्खननकर्ता की बात करें भाई इनकी खोज किसने की, तो अपने सामने आ जाता है एएस राव, एएस, एएस राव, एएस राव आ जाता है। अब बात करेंगे भाई इनके सन की बात करें भाई रंगपुर काठियावाड़, तो इनके सन की बात करें तो अपने सामने आता है 1954। और नदी की बात करें रंगपुर में आ जाती है भादर और नादर, दो नदियों का संगम है भादर और नादर नदी। ठीक है, अब बात करेंगे भाई आलमगीरपुर,
तो आपको पता है कि ये हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रमुख पूर्वी स्थल है। तो ये अपना जाता है यूपी, जिला जाता है मेरठ, और जो उत्खननकर्ता थे इनके जो उनका नाम अपने सामने आ जाता है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा समय काल की बात करें तो आ जाता है अपने सामने 1958। नदी की बात करें तो दोस्तों आ जाता है अपना हिंडन नदी। अब बात करेंगे भाई 12 नंबर के सूत गंगेडोर की, सूत गंगेडोर यानी वो पाकिस्तान में है, कहां पे है अगर वर्तमान क्षेत्र उसे देखा जाए तो ये अपना जाता है पाक बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। खोजकर्ता की बात करें तो आ जाता है अपने सामने ऑरेंज स्टाइल। इन्होंने तो की थी भाई 1927 में। एक व्यक्ति और आ जाता है जॉर्ज डेल्स, इन्होंने की भाई 1962 में, ठीक है ये उनकी भाई यही आ जाती है 1927 आ गई और 1962 आ गई। अब करेंगे भाई नदी की बात की भाई सूत गंगेडोर किस नदी के किनारे, तो अपना मैंने कहा था दस नदी और आ जाता है दस नदी, ठीक है दोनों नाम है कुछ भी अलग अलग मतभेदों के कारण उनमें किताबों में अलग अलग नाम छपे हुए। अब करेंगे भाई मांडा की बात, अगर हम मांडा की बात करें तो यहाँ आ जाता है मांडा है हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है जम्मू कश्मीर में मांडा है। अगर इनकी खोजकर्ता की बात करें तो यहाँ आ जाता है जगपति जोशी। और सन की बात करें भाई ये मांडा की खोज कब हुई थी तो आ जाता अपने सामने 1982। और नदी की बात करें दोस्तों अपनी आ जाती है चीना। अब करते हैं सूत काकोह है कि भाई वर्तमान क्षेत्र बात करें सूत काकोह है क्या, तो अपना आ जाता है पेरिन बलूचिस्तान में, पेरिन बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया बलूचिस्तान, ठीक है। इनके भाई इनके उत्खननकर्ता की बात करें भाई सूत काकोह की खोज की किसने थी तो अपना आ जाता है जॉर्ज डेल्स, ऊपर वाला आ गया जॉर्ज डेल्स 1962, ठीक है सन की बात हमने कर ली 1962 आ गया हमारे सामने भाई। और नदी की बात करें तो यहाँ अपनी नदी आ जाती है सादी कौर नदी। अब अपना अंतिम रिया सूर कोटा, ये कहाँ है कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात आ गया। इनका जो उत्खननकर्ता की बात करें खोजकर्ता की बात करें तो अपना आ जाता है जगपति जोशी जिसने मांडा की खोज की थी। सन की बात करें तो भाई 1900 इनके दो वर्ष पश्चात 1964। और नदी की बात करें तो सरस्वती आ जाती है। तो दोस्तों आज हमने भाई सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, किस किस नदी के किनारे विकसित हुए, वर्ष यानी उत्खननकर्ता के वर्ष कौन सा है, उत्खननकर्ता कौन है, खोजकर्ता खोज किसने की भाई, और वर्तमान क्षेत्र भी हमने जाना था। आज अगले वीडियो हम देखेंगे भाई इन स्थानों से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो अब देखिए अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में अपने शेयर व्हाट्सएप फेसबुक की तरफ बहुत ही मुख्य रूप से वहां पे उनको शेयर करें। धन्यवाद।